मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम कॉमनवेल्थ की खबर लेकर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। आज के दिन हॉकी इंडिया ने अपने मेन हॉकी टीम का जो 18 मेंबर का स्क्वाड है वो अनाउंस किया है फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। वहीं बात की जाए तो भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पूल बी में जगह मिली है, जिसमें इंडिया के अलावा इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना भी शामिल है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अपना जो कैंपेन रहने वाला है वो शुरू करेगी 31 जुलाई को घाना के अगेंस्ट। अब बात की जाए भारत के कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो टोक्यो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को ही दोबारा से कॉमनवेल्थ के अंदर जिम्मेदारी दे दी गई है भारतीय मेन टीम की। वहीं वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई है ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट हरमनप्रीत सिंह को, जो कि FIH हॉकी प्रो लीग के भी टॉप स्कोरर रहे हैं। वहीं गोलकीपर्स में एक्सपीरियंस PR श्रीजेश आप सभी को नजर आएंगे। मिडफील्डर्स की बात करें तो उसमें भी काफी सारे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को इंक्लूड किया गया है इंडिया के 18 मेंबर टीम में, जैसे कि मनप्रीत सिंह जो कि कैप्टन रहने वाले हैं वो आपको नजर आएंगे, हार्दिक सिंह दिखाई देंगे, आकाशदीप और भी काफी सारे खिलाड़ी। वहीं अटैकिंग के अंदर भी काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को भी शामिल किया गया है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे जब आपको सभी प्लेयर्स हम बताएंगे कि फॉरवर्ड में, मिडफील्ड में आपको कौन कौन से खिलाड़ी नजर आएंगे। अब भारत के परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, जहां पर इंडिया कुछ ज्यादा अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि इंडिया ने फोर्थ पोजीशन पर फिनिश किया था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। उनका ब्रॉन्ज मेडल मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो कि इस साल भी उनके ग्रुप में है, और 0-6 से भारत को ब्रॉन्ज मेडल मैच गंवाना पड़ा था, जिसकी वजह से भारत मेडल लिस्ट रह गया था पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। तो काफी एक ये चीज देखने वाली रहेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली FIH हॉकी प्रो लीग में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है इंडिया की तरफ से, तो होपफुली उसको ही कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी हमें इंडियन टीम। तो अब बात कर लेते हैं हम भारत के 18 मेंबर स्क्वाड की, सभी प्लेयर्स जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं गोलकीपर से, जिसके अंदर एक्सपीरियंस्ड PR श्रीजेश और कृष्ण बहादुर पाठक को शामिल किया गया है। वहीं डिफेंडर्स की बात करते हैं तो वरुण कुमार, सुरेंद्र कुमार, वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज और जर्मनप्रीत सिंह को शामिल किया है। मिडफील्डर्स की बात की जाए तो मनप्रीत, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, शमशेर सिंह, आकाशदीप सिंह और आखिर में नीलकांता शर्मा। लास्ट में बात करते हैं फॉरवर्ड्स की, जिसमें मनदीप सिंह, गुरजन सिंह, ललित कुमार और अभिषेक को शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के टीम के अंदर। तो ये पूरी टीम रहने वाली है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और भारत 31 जुलाई को अपना पहला मुकाबला खेलेगा। तो होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया पोडियम फिनिश करने में कामयाब रहेगी, और अपना जो पिछला एडिशन था कॉमनवेल्थ गेम्स का उसमें मेडल लेस रही थी, और पिछली बार की ही तरह भारत को इस बार भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से ही चुनौतियां मिलने वाली है। तो भारत की तरफ से हम इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की जरूर उम्मीद करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।